हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में वैज्ञानिकों ने तितलियों की दो नई प्रकार की प्रजातियों की खोज की है, तो जानेंगे इसके बारे में कि तितलियों का हमारे पर्यावरण में क्या अहम योगदान है। सो लेट अस स्टार्ट। अरुणाचल प्रदेश में जो दो नए प्रकार की प्रजातियां पाई गई हैं, उनका नाम है स्ट्रिप हेयर स्टिक और एलुसिव प्रिंस। एलुसिव प्रिंस पूर्वी हिमालय में पाई जाने वाली काले कलर की तितली होती है। इन दो नए प्रकार की तितलियां पाए जाने से भारत में तितलियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो हमारे पर्यावरण में काफ़ी अहम भूमिका निभाती हैं और जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी काफ़ी अहम भूमिका निभाती हैं। भारत में अब तितलियों की प्रजातियों की संख्या बढ़कर 1327 हो गई हैं। तितलियां पादपों की संख्या बढ़ाने में अपना काफ़ी अहम योगदान देती हैं। तितलियां पर्यावरण खाद्य जाल के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन्हें कई प्रकार के कीट पतंगे अपने भोजन के रूप में खाते हैं। इसी कारण अगर तितलियों की संख्या में कमी हुई तो इन पर निर्भर कई प्रकार के प्रजातियों में कमी देखी जाती है। तितलियों की संख्या में वृद्धि होना पर्यावरण के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है और इससे पता चलता है कि पर्यावरण स्वच्छता स्तर काफ़ी अच्छा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ग्लोबा एंडरसन फूल हाल ही में केरल और पुणे के शोधकर्ताओं ने इस दुर्लभ प्रकार के पौधे को पुनः खोजा है, जिसे स्वान फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह दिखने में हंस के प्रकार का होता है। यह पौधा सिक्किम हिमालय में लगभग 136 साल बाद पुनः मिला है। इस पौधे को डांसिंग लेडी के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा IUCN की रेड लिस्ट की इनडेंजर्ड कैटेगरी में सम्मिलित है। 1875 में अंतिम बार ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक सर जॉन किंग ने सिक्किम हिमालय में इस पौधे के टैक्सॉन कलेक्ट किए थे। ये पौधे सफ़ेद रंग के और स्वान की तरह होते हैं। इस फूल की प्रजाति मुख्य रूप से तिस्ता नदी की घाटी में पाई जाती है। आई होप आपको तितलियों और ग्लोबा एंडरसन फ्लावर के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।